जो ये फ्रंट वाली साइड है, इसमें ये जो फ्रंट वाली साइड है ये गिरी है। रेट ज्यादा नहीं सीजन है जिन्हें रेट महंगे हैं गुंजाइश कर ले सन कितनी गुंजाइश कर ले सो 800 रुपए जोड़ी ला ले 800 रुपए ये जी भाई और डींदे वदे ना 800 दी जोड़ी 800 दी जोड़ी इस टाइम भाई और डींदे वदे ने चूचियां दी माल जी ने कोल कितनी उम्र है तकरीबन जी तकरीबन डेढ़ दो महीने दी डेढ़ एक महीना इन्ना चूजे दी इस टाइम उम्र है तकरीबन दो महीने ते रेट इन्हें 800 जोड़ी दा कितू आयो कहता बाद जिन्हें को चूजे मौजूद हैं तो माशाल्लाह चूजे तो हेल्दी हैं उम्र इन्हें तकरीबन है दो अढ़ाई महीने उम्र इन्हें भाई होर सर रेट जरा ज्यादा मंगते पैन आधे तंत्र घटा लें पता नहीं दिखा फाइनल कि मिला वैसे ये पीछे ये देखें ये अरसलान पीछे है उसके और ये आगे स्प्रे कर रहे हैं वाह देखें जी देखें क्या बात है स्प्रे के तो मास्टर है मास्टर क्यों किए थे माशाल्लाह मौजूद है ना मोहम्मद अरसलान ये कह रहे सही करके तारुफ करवाए सही करके मोहम्मद अरसलान ये काम चेक कर ये देखिए एक स्प्रे कर रहा है और ये एक हत्ती हिला रहा है क्या बात है वाह ओके और मशीन को क्या हो गया है मशीन खत्म करो कि साड़ के जाते हेलो सारा घास जाया करी पे नहीं सड़ती हूं मार जाना मजा ना कट बंद ना उत्ते ना खाने गलत काम ना कर
ये पता नहीं स्प्रे कर रहे हैं कि क्या कोई खत्म हो गई जी। मलक साहब और धौन में तो पाए ना कौन वे सीन दिखाने हैं मलक सजा मलक सजा दार नहीं हमारे जी आ रहे हैं ये काट के नहीं काट ना बंदे कमरे च पानी पावे जो बड़ा मोबाइल च पानी पौंदे मोबाइल च पानी पावे जी जी आंदा नहीं पिया क्योंकि ज़्यादातर वही फसलें गिरी हैं जिनका जो कद था वो ज़रा ज़्यादा था और जो उसका जो सिट्टा था वो तकरीबन इस टाइम जो है वो फुल भरा हुआ था। तो क्योंकि सिट्टा भारी होने की वजह से जो फसलें हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं फसलों के गिरने के, क्योंकि जो गंदम अभी मतलब कच्ची होती है उसका सिट्टा जो भरा हुआ नहीं होता वो जो गंदम है वो ज़्यादा गिरती नहीं है। तो ये देखें जी इतना कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, अगर इंसान कहे ना कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है ये हो गया है वो हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं, इतना नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है जो हमारी गंदम थी ये इतनी ज़्यादा नुकसान में नहीं गई। हाँ ये कह सकते हैं कि अगर जहाँ पर जो एकड़ में से 16 बोरी होनी थी वो एकड़ से जो है वो आप 15.5 बोरी जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना फ़र्क तो हो जाता है 30-40 किलो का 50 किलो का जो है ये फ़र्क तो पड़ जाता है। क्योंकि एकड़ में अगर गंदम गिर जाए तो फिर जो उसकी जो नशोनुमा है वो फिर नहीं हो पाती, इसके बाद फिर इन्हें जो है स्प्रे करने पड़ते हैं नाइट्रोफॉस्फेट का यूरिया का, क्योंकि ये इसे ऊपर से फिर हमने इसे गिज़ा देनी होती है, ये नीचे से गिज़ा लेने के काबिल नहीं रहती हैं, क्योंकि इनकी जो नड़ी होती है वो ऐसे जब होती है इस तरह जो उसकी नड़ी है वो टूट जाती है उससे जो गिज़ा है वो ऊपर नहीं जाती, तो इस वजह से इस पर ऊपर स्प्रे करने पड़ते, लेकिन मसला कोई नहीं होता। अगर स्प्रे ना भी करें तो इसमें इतनी कोई औसत का फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें अगर ज़्यादा फ़र्क भी पड़े तो एकड़ से तकरीबन 50-60 किलो का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इतना हो भी सही तो कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह ये देखें, ये आपको एक व्यू दिखाता हूँ, ये आप पूरा व्यू देखें, ये एक एकड़ है मेरी आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं, ये एक एकड़ है, ये देखें इसमें जो ये फ्रंट वाली साइड है, इसमें ये जो फ्रंट वाली साइड है ये गिरी है, ये बिल्कुल वहाँ से शुरू हुई है और तकरीबन ये आधा से आगे तक गई है, आधा एकड़ से आगे तक गई है, ये फ्रंट वाली साइड यही गिरी है, बाकी जो है वो बीच बीच में से हैं लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं। ये जो थोड़ी होती है ये फिर जो जब इन्हें धूप लगती है तो फिर ये सीधी हो जाती है ऊपर। और ये इस एकड़ की मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी जो है राइट वाली साइड पे ये जो एकड़ है इसमें यही जो फ्रंट वाली साइड है यही थोड़ी बहुत गिरी है लेकिन ज़्यादा नहीं गिरी,
यही फ्रंट वाली साइड है ज़्यादा बनी, तो ये एक एकड़ में तकरीबन ये 1.5 कनाल बन जाएगी ज़्यादा बने तो। इसमें इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकड़ में अगर ये इतनी गिर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो जो नेक्स्ट वाली एकड़ है उसमें तकरीबन फ्रंट वाली साइड जो है वो तकरीबन 1 कनाल की है या तकरीबन 1 कनाल ही बनेगी, तो वो वाली साइड वो 1 कनाल तकरीबन गिरी है। इसे अल्लाह का शुक्र है जो हमारी जो गंदम है वो बच चुकी है इस टाइम, और क्योंकि जो हमारे हमसे जो पहले इलाके थे तकरीबन 12 किलोमीटर पहले 10 किलोमीटर पहले इतना नुकसान हुआ है कि वहाँ पर गंदम का कोई नाम निशान भी नहीं रहा, ना कोई गंदम का सेटर रहा है ना कुछ रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, काफ़ी बचत होगी, काफ़ी बचत होगी। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। इस तरह के मैं न्यू अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।